नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम आपको घुमाते हैं दिल्ली के प्रिय दर्शनी पार्क में। वैसे तो ये इकोलॉजिकल पार्क है और इसका दूसरा नाम भी है, वो है मायापुरी पार्क। और ये पार्क काफ़ी बड़ा है, जिस वजह से साइन बोर्ड पे यानी इंटरगेट पे ही इसका मैप दिया हुआ है, यानी नक्शा दिया हुआ है, जिसे फॉलो करते हुए आप इस पार्क में घूम सकते हैं। चलिए इंटर करते हैं। तो फाइनली हम इंटर कर चुके हैं। एंट्री गेट इसका इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें सिर्फ पर्सन ही घुस सकता है, ना ही बाइक ना ही साइकिल। और हाँ, एक कुत्ता लाना भी यहाँ पे मना है और आसपास गंदगी फैलाना भी मना है। और ये जो पार्क है दिल्ली के मायापुरी नगर जो है, मेट्रो स्टेशन है उसके बाजू में है। चलिए आगे हम आपको मेट्रो स्टेशन भी दिखाएंगे। वैसे ये जो सड़क आप देख रहे हैं मेरे आगे आगे, इस सड़क आप फॉलो करते हुए आगे निकलेंगे तो दूसरी तरफ एग्जिट पे ही आप निकलेंगे, यानी कि गुम नहीं होंगे। और इधर उधर भटकते हुए चलेंगे तो हो सकता है इस पार्क में आप गुम हो जाएं। वैसे तो अभी दिन के 10 बज रहे हैं तो लोग हमें नज़र ज़्यादा नहीं आ रहे, मॉर्निंग टाइम में नज़र या फिर इवनिंग में ज़्यादातर लोग वॉक के लिए आते हैं। और इस पार्क में वॉक के लिए लंबा जगह मिल जाता है क्योंकि गार्ड में बहुत शॉर्ट होता है और इसमें बहुत लंबा दिया गया है ताकि लोग आराम से वॉक कर सके। और ये देख सकते हैं, ये है दिल्ली का मायापुरी माया नगरी मेट्रो स्टेशन। और फिलहाल अगले ब्लॉग में आपको मेट्रो स्टेशन का मुआयना करवाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी चलते हैं। हम जा रहे हैं कबूतर, वहाँ पे बहुत सारे बैठे हुए हैं उसका थोड़ा सूट करने, तो चलिए वहाँ पे चलते हैं। तो कैसा नज़ारा रहेगा कि वहाँ पे हमारे पहुँचने के बाद कबूतर उड़ते हैं या फिर वहीं पे बैठे रहते हैं। तो फाइनली हम नज़दीक पहुँच चुके हैं और मुझे लगता है, और ये देखिए सारे सारे फुर्र से उड़ गए डर के मारे। तो चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और ये जो पार्क है ना दोस्तों, ये दिल्ली के महात्मा गांधी मार्ग ब्लॉक एम रजौरी गार्डन कीर्ति नगर न्यू दिल्ली पिन कोड 110027, यानी इसके आसपास ही है। और इसके आसपास है मायापुरी मेट्रो स्टेशन, जो कि ये आपको सामने से दिख रहा है, ये है मायापुरी मेट्रो स्टेशन ब्रिज वाला। और हम इस पार्क के यानी मायापुरी पार्क के यानी प्रिय दर्शनी पार्क के दूसरे छोर पे आ चुके हैं और हम इसके दूसरे छोर में इंटर करने वाले। इधर से भी एंट्री गेट है मेन रोड से, मैं आया तो घूम के आया लेकिन मुझे पता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो हर एक तरफ से एक एंट्री गेट मिलेगा, जिससे सिंगल एक बंदा ही निकल या फिर जा सकता है, ऐसा एंट्री गेट है। और फिलहाल इसमें कुछ ऐसे एरिए भी हैं जहाँ पे जाना सख्त मना है, जैसा कि अभी हम जा रहे हैं तो मैंने साइन बोर्ड देखा नहीं। वहाँ पे साइन बोर्ड में देखिए सामने लिखा हुआ है कि ये इधर आना सख्त मना है और कुत्तों से रहे सावधान। तो जैसे मैं एंट्री किया तो एक कुत्ता जो है भौं भौं करके मेरे ऊपर भौंका। यहाँ पे देखिए गिलहरी मस्ती कर रही है और वो इसे डर के भाग भी नहीं रही है। और एक कुत्ते ने मेरे ऊपर भौं भौं करा, मुझे तो पता है हम देसी बंदे हैं, ऐसे कुत्ते को तो हम पालते हैं और इस कुत्ते से क्यों डर जाए। हम अपने नॉर्मल गति से चल रहे थे और चलते रहेगा, यही कुत्ता है जो झाँव झाँव करके बोल रहा था और मेरे जाने के बाद भी चिल्ला रहा था, झाँव 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 कर रहा था। मुझे गुस्सा भी नहीं आया, अगर मैं भागना हो सकता तो काट लेता मेरे, लेकिन मुझे पता है मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, ऐसे कुत्तों से डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं इसका लोकेशन इतना सुंदर दिख रहा है, सड़क रोड जो भी हो उसका आसपास इतने अच्छे फूल गार्डन पौधे लगाए गए हैं कि लग रहा है कि मानो यार मन मुग्ध हो जाए मॉर्निंग टाइम में घूमने आ जाओ। तो आँख को भी नरमी मिलती है, पाँव को भी, शरीर को भी और हमारे कान को भी यहाँ पे नरमी मिलती है। और अभी बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं, यहाँ पे डस्टबिन भी है, यदि कचरा वचरा आप कुछ फाड़फूड़ के रखते हैं तो इसमें डालने के लिए ये रहेगा, आपको कहीं इधर उधर फेंकने की जरूरत नहीं है। और ये इतना बड़ा पार्क है कि दिखाने के लिए इसमें बहुत कुछ है लेकिन हम दिखा नहीं सकते। यहाँ पे देखिए डस्टबिन है, खाली पड़ा है, इसमें लगता है कचरा को निकाल लिया गया है। और इधर देखिए बैठने के लिए जो जगह बनाई गई है काफ़ी अच्छी है, लग रहा है कि 5-स्टार हॉस्पिटल होटल में आए हैं, ऐसा बैठने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। चेयर्स जो है ऐसा नॉर्मली इस तरह के चेयर गार्डन में नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे वो जो क्या बोलते हैं एक्सरसाइज व्यायाम करने के लिए वहाँ पे था कुछ लोग थे, इसलिए हम उतना वीडियो कवर नहीं कर पाए। और यहाँ पे बच्चों के झूलने के लिए झूला भी लगाया गया है, यानी कि यहाँ पे हर तरह के व्यक्ति के लिए ध्यान रखकर हर तरह के डिजाइन किए गए हैं, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर तरह का।
तो वैसे ये वीडियो आपको मैं बीच में रोकना चाहूँगा, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो खत्म होने के बाद आपके पास टाइम नहीं रहेगा। और इस तरह के वीडियो यदि आप आगे भी देखना पसंद करेंगे उसके लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि अगला वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और आप इस वीडियो को देख पाएंगे। यहाँ भी देख सकते हैं गिलहरी पूरे अपने मन मग्न में यहाँ चावल को चुक चुक के खा रही है और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे पता है इसको मैं इसका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं हूँ। और एक और गिलहरी आ चुके हैं चावल चुगने के लिए और यहाँ वीडियो देखने लायक बन रहा है, ऐसा लग रहा है मानो यार मजा आ जाए। फर्स्ट टाइम कोई गिलहरी डर के मारे भाग नहीं रही है। तो यहाँ पे जो ये पार्क है माया नगरी पार्क, यहाँ पे सारे कोनों पे एक छोटा छोटा सा मंडप टाइप जो है घर या जो भी बोले आप वो बनाया हुआ है, हर कोने पे एक छोटा छोटा मंडप टाइप बनाया हुआ है, जहाँ पे बारिश वारिश हो तो यहाँ पे जाके आप लोग आराम कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली हम इस पार्क से बाहर निकलते हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लिंकेड रोड भी हैं जिससे आप दूसरी तरफ भी जा सकते हैं, भटक भी सकते हैं। तो मेन रोड को ही पकड़ कर रखेंगे तो आप एग्जिट कर जाएंगे। तो हम अभी चलते हैं बाहर, बाहर चलते ही आपको मेट्रो ऊपर दिखेगा, नीचे ट्रैफिक दिखेगी जैसा कि देख रहे हैं। और हम यहाँ पे बाहर आ चुके हैं और यहाँ से हमें पार करना पड़ेगा, ऊपर मेट्रो स्टेशन, आगे ब्रिज है यानी ऊपर मेट्रो चलती है, इसको ब्रिज के ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं। और मुझे मालूम है कि आपको बैकग्राउंड से कई सारे इफेक्ट सुनने को मिल रहे होंगे, उसे इग्नोर कीजिए क्योंकि अब हमेशा इस तरह के इफेक्ट सुनने को मिलेंगे। और हम जो है ट्रैफिक सड़क पार कर चुके हैं और फाइनली देख सकते हैं कितना बड़ा ब्रिज है और हम बस अब इस ब्रिज को रोड गाड़ी के ऊपर चलने वाली ब्रिज के नीचे से पार कर रहे हैं। और यहाँ पे सिग्नल रेड है इस वजह से गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, तो हम अभी आसानी से उस पार जा सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं बड़ा 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 बाहर निकल गए। तो लीजिए हम फुटपाथ पे आ चुके हैं और यहाँ पे रेड सिग्नल ग्रीन हो चुकी है, बसें जाने लगे हैं। यहाँ पे सामने देख सकते हैं दिल्ली में आपको प्रदूषण की वजह से ना ऑटो नहीं मिलेगा, ई रिक्शा मिलेगा जो कि इलेक्ट्रिक है, बैटरी से चलती है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।